अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है तंदूरी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। तंदूरी चिकन तो बहुत खाई है, ज़रा आज तंदूरी सब्ज़ी भी हो जाए। सर्दियाँ आती हैं और फ्रेश फ्रेश सब्ज़ियाँ लेकर आती हैं। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जो जो मैंने मसाले यूज़ किए हैं इसमें वो ये हैं, करी पत्ता 10 से 15 पत्ते, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, भुना गुड़ा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें 2 टेबल स्पून। सब्जियों में मैंने गाजर 1 क्वांटिटी स्लाइसेस की हुई, टमाटर 1 क्यूब साइज में, आलू 3 क्वांटिटी क्यूब साइज में, फूलगोभी 1 कप, ये मैंने सब्जियां ली हैं। फिर मैंने कढ़ाई में 1/4 कप के करीब तेल लिया और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता, सौंफ और अजवाइन का बघार लगाया और साथ में मैंने इसकी वेजीज भी शामिल कर दी और टमाटर को मैंने सब्ज़ी के तौर पे लिया है। सब्ज़ी को हल्का हल्का सा फ्राई किया और फिर इसमें मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए और फिर मैंने मसालों को मिक्स किया। 1/4 कप के करीब पानी डालकर आलू और सब्ज़ी को गलने के लिए रख दिया। 5 मिनट बाद जब सब्ज़ी तैयार हो गई तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला और फिर मैंने इसको मिक्स किया और फिर मैंने ऊपर से 1/4 टीस्पून नमक डाला, 30 से 40 सेकंड दम पे रखा और ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश किया। गर्मा गर्म सब्जी तैयार है। इसको मैंने पराठों के साथ सर्व किया और सर्दियों में फ्रेश फ्रेश सब्जियों से ही डिश तैयार करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।